नमस्कार, मैं रमेश खत्री समाज सेवी। इस वक्त हम खड़े हैं MR5 सेंट पॉल स्कूल के सामने झुग्गी झोपड़ी में। यहाँ पे पानी की समस्या गंभीर रहेगी और अभी प्रशासन के द्वारा अस्थायी रूप से टैंकर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो भी एक दिन में ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे जो हैंडपम्प हैगा, हम बताना चाहेंगे कि उसकी स्थिति देखिए आप, इतना ख़राब हो रहा है कि वो उसके अंदर गंदगी आ रही है, पूरा टूटा हुआ। ज़रा दिखाएंगे कैमरा मैन से बोलूँगा मैं, ये देखिए आप, पूरा तरह से टूटा हुआ है, इसकी स्थिति बड़ी ख़राब हो रही है। थोड़ा दूर से भी लेके दिखा दीजिए, ये भाई ज़रा दिखाना है, कितने दिक्कत आ रही है आपको? बहुत दिक्कत आ रही है पानी। क्या बताइए, क्या क्या समस्या है आपको? पानी नहीं आ रहा सर, इसमें पानी आता है। आप और लोगों से पूछिए इस बारे में, पानी आता है बहुत देर से, बहुत टाइट चलता है, पानी नहीं आता इसमें। आप लोगों की मांग क्या है? क्या पूरा टूट गया? पूरा टूटा है, जल्द से जल्द सुधारने की मांग करते हैं सर। 500 मन पानी पीते है इधर बर्मा में, बर्मा यही है। नमस्कार, यहाँ पे करीबन 250-300 मकान हैंगे, उसके हिसाब से करीबन यहाँ पे 1200 व्यक्ति रहते हैं और उनके बीच में मात्र एक हैंडपम्प हैगा ही है और वो क्षतिग्रस्त स्थिति में। लॉकडाउन के दौरान अगर पानी भरने के लिए जहाँ के रहवासी बाहर जाते हैं तो पुलिस इनको मारती है, इनके बर्तन फेंक देती है। जिला दो तीन बार तो जिला प्रशासक से निवेदन है कि कृपया करके इनकी पानी की समस्या, जो कि बहुत मूलभूत समस्या है, उसको तुरंत निराकरण करें। धन्यवाद।